जो शहद आप अपने घर पर लेकर आ रहे हैं, आखिर उस शहद में क्या है? क्या आपने ये जानने की कोशिश की है कि जो शहद आप खा रहे हैं वो कितना शुद्ध है? सीएससी की ओर से बुधवार को शहद की मिलावट को लेकर एक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसमें बताया गया कि आजकल कई बड़े ब्रांड शहद में भी मिलावट कर रहे हैं। आज सीएससी ने एक अपना अध्ययन सामने रखा है, जिसमें हमने दिखाया है कि किस तरह से जो हम शहद खाते हैं, और आज हम ज़्यादा शहद खा रहे हैं क्योंकि हम कोविड की लड़ाई में अपनी सेहत बढ़ाना चाहते हैं, बेहतर करना चाहते हैं। वो शहद शहद नहीं है, उसमें चीनी है, उसमें चीनी की मिलावट है। मगर इस अध्ययन में हमने ये पाया है कि वो चीनी की जो मिलावट है वो इतनी अच्छी तरीके से करी जा रही है, जिसको आप कहते हैं जिस चतुरता से करी जा रही है, कि वो पकड़ी नहीं जा सकती। और पकड़ी इसलिए नहीं जा सकती क्योंकि चीन की कंपनियों ने, चाइना की कंपनियों ने शुगर सिरप जो बनाया है उसको इस तरह से बनाया है कि वो किसी भी जो भारत में जो मापदंड है और जो लेबोरेटरी के टेस्ट होते हैं वहाँ पर पाया नहीं जाएगी, वहाँ पकड़ी नहीं जाएगी। और इसीलिए हमने फिर सैंपल जर्मनी भेजे, जहाँ पर एनएमआर की टेस्टिंग हुई। एनएमआर एक बहुत सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी है जिसमें इस मेल की मॉडिफाइड सिरप पकड़ी जा सकती है। वो टेस्टिंग हुई और वहाँ उस जांच में पता चला कि लगभग सभी ब्रांड, बड़े बड़े ब्रांड जो हम खाते हैं, वो उनमें मिलावट है। भारतीय बाजारों में बिक रहे शहद के लगभग सभी ब्रांड में जबरदस्त तरीके से शुगर सिरप की मिलावट हो रही है, ऐसा दावा किया जा रहा है। दावों के बाद फौरन कंपनियों की ओर से सफाई भी दी गई। दावा किया गया है कि 77 नमूनों में शुगर सिरप के साथ अन्य मिलावट पाए गए। कुल जांचे गए नमूनों में सिर्फ 5 ही सभी परीक्षण में पास हुए। शहद के प्रमुख ब्रांड जैसे डाबर और पतंजलि टेस्ट में फेल पाए गए। भारत से निर्यात किए जाने वाले शहद का एनएमआर परीक्षण 1 अगस्त 2020 से जरूरी कर दिया गया है। इन आरोपों के बाद पतंजलि की ओर से भी सफाई जारी की गई। पतंजलि आयुर्वेद के मैनेजिंग डायरेक्टर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि ये सिर्फ हमारे प्रोडक्ट को बदनाम करने की साजिश है, जिससे प्रोसेस्ड शहद का प्रचार किया जा सके। हमारे यहाँ कैपिटल और मशीनरी की मदद से 100% शुद्ध शहद बनाया जाता है। इसके अलावा FSSAI के सभी मानदंडों को पूरी तरह सफलता के साथ पास किया जाता है। वहीं डाबर की ओर से भी अपनी सफाई पेश की गई। हमारे प्रोडक्ट पूरी तरह से शुद्ध है, FSSAI के सभी नियमों का पालन किया जा रहा है। इस रिपोर्ट का लक्ष्य हमारे ब्रांड की छवि को खराब करना है। शहद में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं और ये इम्यूनिटी को मजबूत करता है। यही वजह है कि तमाम तरह के वायरस और फ्लू से बचाव के लिए घरेलू उपचार के लिए शहद का इस्तेमाल होता है, और कोरोना काल में लोग शहद का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि इम्यूनिटी को मजबूती मिले। जिस सिरप की बात की जा रही है, हम बताते हैं कि आखिर वो है क्या। दरअसल शुगर सिरप चीनी और पानी को घोल कर बनाया जाता है, जिसका उपयोग आमतौर पर कॉकटेल या किसी ड्रिंक में स्वीटनर के तौर पर किया जाता है। इसे गर्म पानी में चीनी डालकर बनाया जाता है और ठंडा होने के बाद इसका इस्तेमाल किया जाता है। सामान्य शुगर सिरप के लिए चीनी और पानी का अनुपात 1:1 रहता है, लेकिन इसे और गाढ़ा करने के लिए पानी में चीनी की मात्रा और बढ़ा दी जाती है। न्यूज़ तक ब्यूरो।